हरियाणा के यमुनानगर में प्रसिद्ध जादूगर सम्राट शंकर के शो 19 जनवरी से शुरू होंगे। इसके लिए हरियाणा सरकार ने व्यवस्था की है। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए जादूगर सम्राट ने कहा कि जादू तंत्र मंत्र यंत्र का खेल है। उन्होंने कहा कि जो इसका दुरुपयोग करते हैं उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। उन्होंने कहा कि कई बाबा इसी तरह के मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कुछ तांत्रिक अपनी दुकानदारी चलाने के लिए लोगों को गुमराह करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर नोट दुगने करने सोना डबल करने जैसा कुछ होता तो आज वह वित्त मंत्री होते। जादूगर सम्राट शंकर ने कहा कि यह सदियों पुरानी कला अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। 130 करोड़ की आबादी में मात्र 13 बड़े जादूगर हैं। उन्होंने कहा कि इस कला को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्माननीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रभारीगण, सम्माननीय तमाम पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और चलिए इससे पहले किया विश्व विख्यात जादूगर सम्राट शंकर जी से रूबरू हो, संक्षिप्त रूप से उनका परिचय आपको दे दूं। जादूगर सम्राट शंकर विश्व के चार प्रमुख जादूगरों में से एक थे, जिन्होंने दो बार 2 times राष्ट्रीय स्तर की जादू प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और कई बार सामाजिक संस्थाओं द्वारा जादूगर सम्राट शंकर जी सम्मानित किए जा चुके हैं। अब तक करीब 28,000 मैजिक शोज जादूगर सम्राट शंकर देश विदेश में कर चुके हैं, जिनमें से 23,000 मैजिक शोज केवल चैरिटी के लिए किए हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष, रेड क्रॉस, गूंगे बहरों की सहायता, बाढ़ पीड़ितों की सहायता, स्कूल, अस्पताल इत्यादि के लिए। और इन समय प्रमुख है, कारगिल युद्ध के दौरान इन्होंने जितने भी मैजिक शोज किए उसका सारा पैसा कारगिल के शहीदों के परिवार की सहायता भेज दिया गया। सुनामी बाढ़ पीड़ितों की सहायता भी मैजिक शोज किए, उसका भी सारा पैसा सुनामी बाढ़ पीड़ितों की सहायता भेज दिया गया। आपको जानकर खुशी होगी, पिछले दिनों जादूगर सम्राट शंकर जी ने इंग्लैंड के 5 शहरों में अपने जादू कला के सफलतम प्रदर्शन से भारत का नाम रोशन किया है। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, सबसे ज्यादा चैरिटी शो करने की बदौलत इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। धन्यवाद। जिंदगी में झूठ सारे झूठ के पास झूठ के पुजारी कार्ड का ही मैजिक है, अगर पहले कभी बोला तो यहाँ नहीं बोला, ठीक है जी। क्या होता, मिलाने के बाद सफर करने के बाद है ना आपका कार्ड ऊपर मिला तो दिया ना जी, इसमें कार्ड है ही नहीं। आइए आइए, बता सिर्फ ये से नो में जवाब देना है, अगर ये कार्ड है तो ठीक है, नो ये नहीं है। अगर ये वाला कार्ड नहीं, इसको आप नीचे रखो, फर्स्ट कार्ड नहीं सेकंड, ये वाला मजाक नहीं करना है। पहला कार्ड सही जाता है, कौन सा था बता बता चिड़िया दिखा दिया था ना जी किसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, एक ज्यादा वाद विवाद में नहीं पड़ गए भाई, ये तो जादू टोना है। हम इतना क्लियर कर रहे हैं कि जादू टोना नाम की चीज संसार में नहीं, काला जादू नहीं होता। और यानी फिर भी आप लोग भी बहुत भ्रमित हो, मेरे से पूछ रहे एक प्रेस वाले आए थे नाम शुरू कर इस साल में, कहता जी भूत प्रेत वगैरह बड़े हमारे घर में तो पत्थर आते। फिर मैंने उनका माइंड वॉश किया, मैंने कहा उनमें से ही कोई परिवार में से कोई फैक्ट है यार, वो नहीं भूत प्रेत करते। जो आदमी जीते जी कुछ नहीं करा मरे बाद क्या करेगा। आप बात को समझो, विल पावर स्ट्रॉन्ग रखो। यूरी गेलर हुआ है एक फोरम का मेरे लकड़ा ही नहीं, ज्योतिषियों ने बताया उसने चाकू उठाया लकड़ा ही नहीं। आज यूरी गेलर साइंटिस्ट बना वर्ल्ड का, आपने सुना ही तो कहने का मतलब अपने आप में बहुत ताकत है। छोटे छोटे बच्चे सुसाइड करते हैं और थोड़े माँ बाप ने कह दिया ओके, तो ये विल पावर की कमी है ना जी। प्रेम प्यार से बच्चों को है ना जी, कभी डांट डपट मत करो, गुस्से का सबसे बड़ा नुकसान खुद का है। अभी एक लड़की हवा में उड़ने के लिए आई, इस हार की बात है, तो
मैं शो के बाद नीचे आता हूँ, कई लोग फोटो खिंचाते नहीं होते, तो फिर वो लड़की की मदर मिली, कहने लगे अंकल जी 25 साल पहले मैं हवा में थी और 18 साल पहले ये 18 साल की लड़की हुई और आप सचमुच में चल रहे हो क्या? मैं कह जी चल रहे हैं, जादू का नहीं, ये योग और खान पान का, इसलिए ये प्राणायाम आप लोग किया करो ताकि अपना सब कुछ ठीक रहे। रोज के अटैक पड़ रहे हैं, बच्चे बच्चे रहेंगे अपने सब। शंकर जी मनोरंजन है, इसमें कोई शमशान घाट की सिद्धि नहीं, कोई इसमें बलि का चक्कर नहीं, ये तो सिर्फ तथाकथित तांत्रिक लोगों को भ्रमित करते हैं और अपना सीटा सेकने के लिए उन्होंने ये जो ऐसे तेरे पे किया हुआ है ऐसे किया हुआ है। सर कुछ नाइट्रिक्स भी? हाँ वो नहीं रहता पड़ा है। अब यानी देखो दो चार लोग है ना, दो चार या हजारों यानी वो अपना दुकानदारी चलाने के लिए लोगों को गुमराह करते हैं। शराब के ठेके के ऊपर गंदे नाले पे शराब की दुकान है, धड़ाधड़ बिक रही है ना, बुराई ज्यादा पनपती है ना जी। नहीं तू शास्त्र खा भी गया। इसलिए भैया आप लोग अपने सभी कर्म पर विश्वास करो, मैंने पूरी दुनिया घूमी है, मैंने तो चमत्कार नाम की चीज कोई देखी ऐसी चीजें थी जो इस प्रकार की, इसलिए हमारी एक कला है, एक आर्ट है, ये तो हम भी बगवे कपड़े पहन के कुछ भी मतलब आपको कम लगा आपको बताइए। चलो भाई सर क्या है ये लोगों को, अब मैंने जैसे है मैंने पूछे कौन कौन से बातें हैं जो सभी को और उसको जाकर करना ठीक नहीं, बंदे हमारे पीछे जैसे लंदन में पूरी घड़ियों का टाइम चेंज कर दिया मासी प्रोटेस्ट, एक जैसे वो ये क्या हिप्नोटिज्म होता है? हिप्नोटिज्म एक साइंस है, मैं आपको वैसे ही बताऊं, हिप्नोटिज्म एक साइंस है, सम्मोहन हिंदी का शब्द है, नजरबंदी अपने वैसे कह देते हैं। नजरों का जादू क्या है जी? जो आपके समझ नहीं आया वो आपके लिए जादू, जल्दबाजी में जादू। इंद्रजाल क्या है? भ्रमित करना। आप देखेंगे इंद्रजाल कहां बक्से में बंद हुआ, 5 सेकंड में चेंज हो। अब ये तो क्लोजर मैजिक है, दो चार चीजें आपको इसलिए बताते हैं पिता की, हमारे सभी डिफरेंट कार्ड है, अलग अलग कार्ड सब एक कार्ड में उंगली अपना जैसे अपना कार्ड आप देखो, अब ये कार्ड आपके माइंड में सेट हो गया सबके, अब जिस भी कार्ड को टच करेंगे ये नजर आएगा, आपको नजर हुई है जैसे। अब यानी वास्तविक कार्ड तो था उसमें एक ही होता है, सबसे पहले ऊपर आता है तभी वो ही दिखेगा। अब अगर कुछ टाइम के लिए आपको सारे कार्ड ये दिखाने को पाऊंगा का पाऊंगे आपके ये क्या जी मंत्री लोग बुलाते रहते हैं बैलेट पेपर पर सारे यही दिखा दो। लेकिन इसको कला है, कला तक अगर हम कैसीनो में चले जाए तीन पैसे दिखा दे लोग जैसे। अब इसको ऐसे करते हैं बोला तुम्हारा क्या जी आर्ट है, ये छोटी आर्ट नहीं है, बहुत बड़ी कला है। अंगूठी पहनते हो? कोई खास काम के लिए जाना इसको या बच्चों की नजर तो हम आपको देने विश्वास नहीं है मेरा सही बाबा के लोग लाइन में जादू कला रूप तो ही चीज है, इसको उजागर करने के लिए उन्होंने ये इसलिए चुना भी ताकि हमने तो प्रोग्राम करने ही थे, हम तो करते हैं सभी जगह तो एक जैसे और भी उन्होंने कवियों को बुला करके और भी बड़े बड़े आपको बता कितने बड़े प्रोग्राम किए और हमारा तो एक नामांतर 4-4 दिन का कार्यक्रम है। अब मैंने ये आर्ट हम आपको वैसे ही बताते हैं भी जैसे पेपर है मान लिया अभी जैसे 1 मिनट बाद देखेंगे इसका जैसे कलर चेंज हो जाता है रेड में ब्लू में ग्रीन में आपकी आंखों को लगता है ऐसा होता नहीं। अब जैसे आपको क्या दिखाई दे लेकिन अब ये थोड़ी देर बाद पेपर बन जाएगा तो जब छोड़ दो तो बना लेते हैं। भाई साहब शंकर जी जो इंद्रजाल से जुड़िया दुनिया के कई
दुनिया के कई जादूगर जो है जी आगे बढ़ रहे हैं, हम भारत में जहाँ जादू का जन्म सरकार की अपेक्षा या लोग, यानी 10-15 सालों से मैं आपको बताऊंगा, पहले बहुत था जादूगर जैसे हमने देखा, लेकिन मीडिया इतना आ गया, हमारे टीवी चैनल का पता ही नहीं, एक से लेके 1000 चैनल, 2000, 3, यानी और बच्चे टीवी के आगे से उठते नहीं, कंप्यूटर के आगे से नहीं उठते, मोबाइल के आगे से नहीं उठते। अब हमने मैजिक बॉक्स एक तैयार किया है, उसमें 15 ट्रिक है, उसमें सारा बच्चों के लिए बताया है, कम से कम 2-2, 3-3 घंटे डेली प्रैक्टिस करेंगे, इनसे तो दूर रहेंगे मोबाइल से, कितना उसमें और आत्मज्ञान भी मिलेगा, विल पावर भी स्ट्रांग होगी। हमारे कोई भी है दिव्या साहब का हाथ में से दिखा, नहीं नहीं कोई बात घबराओ, ऐसे किया ये काजू आ गया, अरे वही भी बाबा दे रहे भगवान का रूप मानते ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।